मध्य प्रदेश के सीएम मामा शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले प्रदेश की अपनी 125 करोड़ बहनों के लिए एक ऐसी योजना का ऐलान किया है जिसने प्रदेश की आधी आबादी की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल कर रख दी है। महिला को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन गरीब परिवार से आने वाली महिलाओं का खजाना हमेशा ही खाली रहता है। वो सिर्फ नाम की लक्ष्मी रह जाती है, लेकिन मामा शिवराज से अपनी इन बहनों का खाली हाथ देखा नहीं गया और उन्होंने इस नाम की लक्ष्मी के हाथ में हर महीने आने वाले पैसों की एक ऐसी छड़ी थमा दी जिसने गृह लक्ष्मी को वास्तव में धन लक्ष्मी बना दिया। बतौर मुख्यमंत्री चौथी पारी खेल रहे शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में लाडली बहना योजना का ऐलान किया। लाडली बहना योजना ने प्रदेश की उन महिलाओं का हाथ मजबूत किया है जो कंगाली में कमजोर थी। इस योजना के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सूबे की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने का बड़ा ऐलान कर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि सूबे की आधी आबादी पूरे तौर पर मामा के समर्थन में आ गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के मौके पर 28 जनवरी को नर्मदापुरम में इस योजना का ऐलान किया था। ये योजना सूबे की मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण की राह में मील का पत्थर है। इस योजना के तहत सभी वर्गों की महिलाओं को सरकार हर महीने 1,000 रुपये दे रही है, जिसे बढ़ाकर इस महीने से सरकार ने 1,250 रुपये कर दिया है। वही सीएम ने अपनी बहनों से ये भी वादा किया है कि वे इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति महीने तक करेंगे। मेरी बहनों, मैंने तुम्हें कहा था कि 1,000 से बढ़ा के मैं 1,250 रुपया पहले करूंगा। मेरी बहनों, जब मैं 1,000 रुपया डालता हूँ तो खर्चा होते हैं 15,000 करोड़। हर महीना मुझे 1,200 करोड़ रुपया डालने पड़ते हैं, और अगर 1,250 करूंगा तो 400 करोड़ रुपया हर साल हर महीना और डालना पड़ेगा। तो सुनो मेरी बहनों, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है, और आओ अक्टूबर से इस महीना तो कुल मिला के 1,000 और 250 ये हो ही जाएंगे। अक्टूबर से अब बहनों के खाते में 1,250 रुपया डाले जाएंगे। मामा ने योजना का सिर्फ ऐलान नहीं किया, उसे लागू भी किया और 10 जून को 1,000 रुपये की पहली किश्त बहनों के खाते में डालकर उनका विश्वास भी जीत लिया। इस योजना के तहत सरकार हर साल करीब 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि बहनों के खाते में डालेगी। अभी तक सीएम अपनी बहनों के खाते में 3 किश्तें डाल चुके हैं और चौथी किश्त आने वाले 10 सितंबर को खाते में डल जाएगी। राखी के मौके पर सीएम मामा शिवराज ने अतिरिक्त 250 रुपये डालकर बहनों को खास तोहफा भी दिया। जाहिर है सीएम शिवराज बहनों के खाते में सिर्फ 1,000 रुपये ही नहीं डाल रहे, इन रुपयों की कीमत आप उन गरीब महिलाओं से पूछ सकते हैं जो 100-100 रुपये के अभाव में इलाज नहीं करा पाती, बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं भेज पाती, बच्चों के लिए पोषण नहीं दिला पाती। अब मामा की ओर से मिल रहे ये रुपए सूबे की महिलाओं को न सिर्फ सशक्त बना रहे हैं बल्कि इससे सूबे की सुस्त इकोनॉमी को रफ्तार भी मिल रही है। सरकार की ओर से भेजे जा रहे करोड़ों रुपए मार्केट में लिक्विड मनी बनकर घूम रहे हैं, इससे न सिर्फ बहने बल्कि व्यापारी भी लाभान्वित हो रहे हैं। सीएम शिवराज की इस ऐतिहासिक योजना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।